सो हेलो ब्रीबन सो स्टूडेंट डिस्कस वन मोर टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेशन इट्स मीनिंग डेफिनेशन टाइप्स एंड रोल इन एक्सटेंशन सो स्टूडेंट आज का जो सेशन है इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है मीन्स उसकी मीनिंग क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है ये कितने टाइप का होता है और इसका रोल क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आर एक्सटेंशन एजुकेशन में क्योंकि जो भी बी एस के स्टूडेंट हैं या पी के हैं या पी के हैं या आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जे की ए हमेशा जो डिमॉन्स्ट्रेशन से है एक या दो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है तो उसको मैं इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा पहले हम लोग देखते हैं बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन है क्या तो डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि डिमॉन्सट्रेशन मीन्स सोइिंग आप समझ मीन्स इसको हिंदी में प्रदर्शनी भी बोल सकते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी है या कोई प्रैक्टिस है या कोई आइडिया है उसको बाय द हेल्प ऑफ हम शो करें मीन्स जो हमारा ऑडियंस uh, है उसको कैच करें बाय द हेल्प ऑफ साइट मीन्स दृश्य से मतलब देख के जो भी uh, उससे इंफॉर्मेशन को अपने माइंड को पहुँचाए या उसको हम अगर अवेयर करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेशन uh, टूल चाहे वो फील्ड डिमांस्रेशन हो गया चाहे आपका फिगर डिमॉन्सट्रेशन हो गया चाहे पोस्टर डिमांस्रेशन तो ये सब बेसिकली डिमॉन्सट्रेशन होता है तो दब uh, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन इज लर्निंग बाई सींग एंड डूइंग तो जो इसके दो प्रिंसिपल होते हैं पहला आपका क्या होता है लर्निंग बाई डूइंग मतलब करके सीखना एंड दूसरा क्या है कि लर्निंग बाई सीइंग देख के सीखना एक पहला क्या है करके सीखना दूसरा क्या है कि देख के सीखना और ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के तो डिमॉन्स्ट्रेशन आई होप आपको क्लियर हुआ कि क्या बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन होता है इसके प्रिंसिपल क्या हैं। अब इसके टाइप में जो हमारा पहला टाइप है वो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली क्या है कि इट इज शॉर्ट टाइप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन तो ये शॉर्ट टाइप का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है मान लीजिए कोई नई प्रैक्टिस आई उसके बारे में आपको फार्मर को या आपके जो ऑडियंस है या टारगेट जो स्टूडेंट है उसको आपको सिखाना है तो आप क्विक के लिए क्विक रिस्पॉन्स के लिए आर क्विक उसको आ, आ, सिखाने के लिए इसको आप लेके आते हो मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन को नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि द मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड ओनली स्किल तो बेसिकली आप एग्जाम में देखेंगे चाहे आप नेट का देंगे या जैर में देखेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेशन के प्रिंसिपल पूछता है तो मैथड का जो प्रिंसिपल है लर्निंग बाई डूइंग मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है लर्निंग बाई डूइंग और इस पर मेन जो हमारा फोकस होता है वो स्किल पर होता है मतलब स्किल को इम्प्रूव करना होता है तो दो क्वेश्चन ये आपके यहाँ से बन गए कि मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है लर्निंग बाई डूइंग एंड इसका मेन uh, मोटिव uh, uh, क्या है तो स्किल को इम्प्रूव करना नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे द इट डज नॉट कंपेयर बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू टेक्निक आर स्किल तो बेसिकली मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है जैसे मैंने आपको पहले बताया कोई नई नई प्रैक्टिस आई या टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आई उसको स्टूडेंट को आपको सिखाना है या फार्मर को मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी मीन्स uh, डस्टर आया या हैंड स्प्रेयर आया या फुट स्प्रेयर आया उसको कैसे ऑपरेट करना फार्मर को आपको बताना है तो वह आपका क्या हो गया मैथड डिमॉन्सट्रेशन में हो गया तो ये बेसिकली कम्परिजन नहीं करता है प्रीवियस और प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के बीच में नेक्स्ट क्या है पॉइंट आप देखेंगे हमारा इट मीन्स कंपरेटिव स्टडी कैन नॉट बी डन तो बेसिकली क्या है कंपरेटिव स्टडीज में नहीं किया जाता है मतलब कंपेजन नहीं किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है जो पहले हमारा टीचिंग का था जैसे अब आप रिजल्ट में डाएंगे तो वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है टीचिंग का जबकि ये हमारा क्या है कि ओल्डेस्ट फॉर्म टीचिंग का तो ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन के टाइप है सबसे ओल्डेस्ट उसमें कौन सा है तो मैथड डिमानस्ट्रेशन है किसमें कंपेरिजन नहीं किया जाता तो मैथड डिमानस्ट्रेशन में कंपेरिजन नहीं किया जाता है अब हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ मैथड डिमानस्ट्रेशन तो बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन के फादर और मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन के फादर कौन हमारे सी मैन ए नैप डॉक्टर सी मैने नैप इनको बोला जाता है और इनको क्या है कि डॉक्टर सी मैन ए नैप को फादर ऑफ एक्सटेंशन अमेरिका में भी बोला जाता है तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से है अगर हम अब इसका एक एग्जाम्पल से समझें मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन को तो बेसिकली इट इज़ ए सिंगल प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेशन हाउ टू हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर हाउ टू अपलाई फर्टिलाइजर इन द फील्ड इन दिस डिमोनिटेशन एनी प्रोसेस इज सोन एंड मेड क्लियर टू द पीपल बाई डूइंग इन ए सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड जेलसीस पर्सन इज गिविंग ऑपरचुनिटी आर डूइंग तो बेसिकली क्या है आपको सिंगल प्रैक्टिस फार्मर को कैसे ट्रैक्टर ऑपरेट करना उसको सिखाना मान लीजिए उसको कैसे फर्टिलाइजर अप्लीकेशन करना है विद ब्रॉडकास्टिंग में आर विद द है इस ये आपको सिखाना है तो ये बेसिकली मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन का एग्जाम्पल है ये इस डिमॉन्स्ट्रेशन में जो है प्रोसेस होता है वो क्लियरली शो किया जाता है मतलब क्लियरली क्लियरली कट होता है और जो ये स्टार्ट से लेके एंड तक जो होता है वो पर्सन अंडर अंडर द सुपरविजन होता है साइंटिस्ट के और ट्रेनर के मींस ट्रेनी हमारा फार्मर है ट्रेनर हमारा जो एक्सपर्ट है उसके सुपरविजन में होता है ये हमारा मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन होगा आई आप आई होप आपको मैथड डिमांसट्रेशन के जो भी पॉइंट है वो क्लियर हुए होंगे अब हम लोग चलते हैं रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन बेसिकली बेसिकली हमारा जो सेकंड डिमॉन्स्ट्रेशन है तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन uh, क्या है इट इज अ लॉन्ग टाइप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन तो इन कंपेरिजन टू मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा जो रिजल्ट है वो टाइम कंज्यूमिंग है और लॉन्ग ड्यूरेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट शोज द वैल्यू और वर्थ ऑफ न्यू प्रैक्टिस तो ये क्या है अगर इसका प्रिंसिपल हम देखेंगे उसका प्रिंसिपल क्या था मैथड का स्किल था इसमें क्या है कि न्यू प्रैक्टिस मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी वर्थनेस को आपको दिखाना मीन्स उसकी क्वालिटी को आपको दिखाना है फार्मर को और ट्रेनिंग को तो ये हमारा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है अब क्या है कि इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कंपरिजन बिटवीन टू प्रैक्टिसज तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में कंपरिजन किया जाता है ओल्ड और न्यू ऑलवेज का मीन्स अगर हम एग्जाम्पल देखें जैसे क्या है कि आपको जो फिसाइड होती है इन प्रीवियस जो ज़्यादा उसका आ, क्या कि फ्यूमिगेंट के रूप में मतलब एक डस्टर से डस्ट के रूप में फॉर्म आती थी ज्यादा उसको विद द हेल्प ऑफ डस्टर से आर ब्रॉडकास्टिंग से स्प्रे किया जाता था और अब क्या है कि ज्यादा स्प्रेयर जो लिक्विड फॉर्म में आ रही उनको किया जाता तो दोनों का अगर कंपेरिजन आप निकालेंगे तो हमारा क्या होगा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन अब एक जगह अभी मार्केट में हमारे क्या है नए नए यूरिया का सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है इन कंपेरिजन पहले क्या है नॉर्मल यूरिया ब्रॉडकास्टिंग से जो छिटी जाती थी अब क्या है विद द हेल्प ऑफ इस उसकी क्वांटिटी भी कम लग रही है तो ये चीज़ें हैं ये क्या है कंप्रिजन काम को आ, मौका देता है अपॉर्चुनिटी देता है रिजल्ट डिमॉन्सट्रेशन नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे रिजल्ट ऑफ बोथ प्रैक्टिस आर सोन तो इसमें दोनों प्रैक्टिस जो ली जाती है उनका रिजल्ट आप दिखाते हैं नेक्स्ट क्या है इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन अडॉप्शन तो बेसिकली अगर आप एक्सटेंशन में हैं और एडॉपशन की बात आती है तो किसी भी फार्मर को आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के प्रति आपको अगर उसको अट्रैक्ट करना है तो पहले उसकी वर्थनेस मतलब उसकी क्वालिटी आपको दिखानी होगी कि फार्मर के लिए कैसे वो हेल्प हेल्पफुल होगी तो बाय द हेल्प ऑफ रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन उसको आप दिखाते हैं जिससे क्या है कि फार्मर नई टेक्नोलॉजी को ईजिली अडॉप्ट करता है उसके प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड आता है तो ये हमारा रिजल्ट डिमोस्ट्रेशन मौका देता है नेक्स्ट फार्मर क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या है इट इज़ कंडक्टेड बाय ए फार्मर अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर तो बेसिकली जो रिजल्ट डिमांसेशन है ये फार्मर कंडक्ट करता है किसके सुपरविजन में करता है एक्सटेंशन वर्कर के सुपरविजन में करता है जबकि मैथड डिमांस्रेशन जो होता है वो रिसर्चर करता है और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन को फार्मर करता है ये एक दोनों के बीच में डिफरेंस है बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट का इट इज यूज टू शो द सुप्रियोरिटी ऑफ प्रैक्टिस तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन को हम किसी भी प्रैक्टिस की सुप्रियोरिटी भी दिखाने के लिए यूज करते हैं ये हमारा मैथड डिमांसट्रेशन हो गया रिजल्ट नेक्स्ट हमारा जो लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है वो नेशनल और कंपोजिट डिमांस्रेशन है इसका पहला पॉइंट क्या है इट इज़ ए कम्पोजिट ऑफ बोथ मेथड एंड रिजल्ट डिमांसट्रेशन तो दोनों को मिला के ये हमारा डिमांस्रेशन बना नेशनल आर कंपोजिट डिमांसट्रेशन नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है इट इज द लाइन फर्स्ट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन और फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट तो आप देखेंगे फ्रंट लाइन एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट नाइन्टीन में आए थे जिसमें चार आपके हैं उसमें नेशनल डिमॉन्ट्रेशन भी था तो ये फर्स्ट लाइन बेसिकली क्या होता है कोई नई टेक्नोलॉजी आई जो हमारे केवीके के होते हैं सबसे ज़्यादा ये क्या करते हैं फ्रंट लाइन डिमॉन्सट्रेशन करते हैं मीन्स वो अपने जो उनके फार्म है उस पर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वहाँ के जो आसपास के फार्मर होते हैं तो ये फर्स्ट लाइन आर फ्रंट लाइन होते हैं फर्स्ट लाइन प्रोग्राम होते हैं आईसीआर का जो आईसीआर सी क्यों एकदम जैसे वो आता है उस टेक्नोलॉजी को डिसिमिनेट करता है तो वो आपका फर्स्ट लाइन डेमानस्ट्रेशन होता है नेक्स्ट पॉइंट क्या इट इज़ कंडक्टेड बाई रिसर्चर ऑन द फार्मर फील्ड तो मीन्स क्या है कि इसको भी रिसर्चर हमारा कर रहा है और किसकी फील्ड में फार्मर की फील्ड भी कर रहा है नेशनल तो आर्ट कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन को नेक्स्ट पॉइंट क्या है द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू शो हाउ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस डिमॉन्स्ट्रेशन का आपको प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करना है और चाहे वो यूनिट एरिया में चाहे मीन्स प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इसमें ध्यान भी दी जाती है नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आर यूजुअली फॉलोड एंड हाई एल्डिंग वराइटीज़ आर यूज्ड इन द डिमॉन्सट्रेशन जिसमें जो है इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग चल रहा है वो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा है मीन्स आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना है प्रॉपर उनको एलोकेट करके आप हाई एल्डिंग वराइटी को लगा के आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है ये हमारा नेशनल डिमॉन्सट्रेशन में आता है बेसिकली नेशनल डिमॉन्सट्रेशन जो होता है ये आई सी आर सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज होता है नेक्स्ट पॉइंट नेशनल डेमानस्ट्रेशन वॉज फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन 1965 सिक्सटी फाइव नाइनटीन सिक्सटी फाइव बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर तो फर्स्ट टाइम पर नेशनल डेमानस्ट्रेशन को नाइनटीन सिक्सटी फाइव में अब बहुत सी बुक में जाएंगे तो नाइनटीन सिक्सटी फोर दिया है एन डी पी नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट तो आपको अगर नाइनटीन सिक्सटी फोर और नाइनटीन सिक्सटी फाइव दोनों ऑप्शन में मिलता है तो आप नाइनटीन सिक्सटी फोर पहले टिक करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप 1964 पहले जाएंगे अगर 1964 नहीं मिला तो आप सेकेंड 1965 पे पर जाएंगे और इसको क्या है कि 1965 में और 1964 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था बट क्या था फिर 1967 में इसको क्या है कि आई को दे दिया गया तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द प्रोग्राम वॉज गिविंग टू आई सी आर इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया कि आई सी आर को नाइनटीन सिक्सटी सेवन में इस प्रोग्राम को हैंड ओवर कर दिया गया था फॉर और इफेक्टिव वर्क करने के लिए सो लास्ट पॉइंट जो है नाउ इट इज ए बिकम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम तो अगर आई सी आर को दिया गया इस वजह से ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम बन गया नेक्स्ट uh, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस डेमानस्ट्रेशन से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमांस्रेशन वाज गिवन बाय तो डिमांसट्रेशन जो कॉन्स्ट दिए कॉन्सेप्ट जो दिए थे डॉक्टर सीमा ने नैप हैं और फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन नेक्स्ट पॉइंट है तो सी मैने नैप डॉक्टर सीमा नेप इनको फादर भी बोल, बोला जाता है और uh, uh, ये टर्म भी दिए थे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पॉइंट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डेमानस्ट्रेशन स्टार्टेड ए आई सी आर पी एन डी पी आप देखेंगे एक्रिप जैसे प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं तो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए नाइनटीन सिक्सटी फोर में ये स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट पॉइंट द प्रोग्राम विश शो द जेनटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी तो जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई उसकी जेंटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी जो दिखाता है आज की क्वालिटी जो दिखाता है वो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन होता है नेक्स्ट पॉइंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मीन्स मैनेज तो ये 1986 में हैदराबाद में इस्टेब्लिश हुआ था तो इसको नियाम भी बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक एक्सटेंशन मैनेजमेंट सो so, थैंक यू आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं डिमॉन्सट्रेशन से मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन को बताया डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली क्या है उसके टाइप्स के बारे में बताया डिमॉन्सट्रेशन के प्रिंसिपल मैंने बताए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको मैंने बताया अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू फॉर लिसनिंग